देखो देखो वो आ गया। I am back। भाई देख लिया हो तो आ जाऊं। कैसे हो आप दोस्तों? आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आपको पता ही है कि हम लोग भैया अब 1 लाख हो गए हैं। आपकी टेक्निकल दोस्त फैमिली में 1 लाख फैमिली मेंबर्स हो गए हैं और मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूंगा, पता है क्यों? क्योंकि थैंक यू तो परायों को बोला जाता है और आप मेरे अपने हो, परिवार में आपस में थैंक यू सॉरी ये सब नहीं बोला जाता है। और भैया मुझे पार्टी चाहिए, मैं नहीं भाई। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं हितेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट समझ लेते हैं यूट्यूब के वेरिफिकेशन बैच से संबंधित। हमारी टेक्निकल दोस्त फैमिली में जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके लिए जानकारी बेहद जरूरी है। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि आपके टेक्निकल दोस्त चैनल को वेरिफिकेशन बैच मिल गया, यानी मार्क मिल गया वेरीफाइड का। क्या है ये भाई? जिस भी चैनल को वेरीफाइड मार्क मिल जाता है इसका मतलब YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन के अनुसार वो चैनल बिल्कुल सही है, ब्रांडेड है और उस चैनल पर कोई भी ऐसी वीडियोस नहीं है जो YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन से बाहर हो। कब मिलता है ये वेरिफिकेशन बैच? भैया ये वेरिफिकेशन बैच सबसे पहले तो 1 लाख होने पे मिलता है। जब आप लोग हम लोग 1 लाख हो जाते हैं तब जाके ये वेरिफिकेशन बैच मिलता है। दूसरा एक और पॉइंट है कि आपने यूट्यूब की गाइडलाइन के अंदर ही सारी वीडियोस बनाई, यानी कोई भी हैकिंग, न्यूडिटी, वायलेंस या हेटिंग ऐसी कोई वीडियो आपने नहीं बनाई है YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन से उसे आप पढ़ सकते हो। तो आपने ऐसी कोई भी वीडियो नहीं बनाई हो, यानी आपकी जो चैनल की स्टैंडिंग है वो बिल्कुल अच्छी यानी गुड होनी चाहिए, उसमें कोई भी स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, तो उसके बाद आप अप्लाई कर दो। आप जाओगे हेल्प में, वहां पे आपको मेल करने का ऑप्शन मिलेगा, आप मेल कर देना कि भैया हमारे 1 लाख हो गए हैं और ये चैनल है और हमें दे दो वेरिफिकेशन बैच, हमने चैनल में कोई भी ऐसी वीडियो नहीं डाली है जो गलत हो इस तरह का। तो आपको 1 या 2 दिन में वेरिफिकेशन मार्क मिल जाता है। क्या होता है वेरिफिकेशन बैच मिलने से? भाई वेरिफिकेशन बैच मिलने से ये होता है कि यूट्यूब के अनुसार ये वेरिफाइड चैनल है और इसमें सभी वीडियो सही हैं, कोई भी वीडियो गलत नहीं है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के बाहर नहीं है। और यदि कोई और व्यक्ति अब टेक्निकल दोस्त नामक चैनल खोलता है तो वो पता चल जाएगा कि भाई ओरिजिनल कौन सा है, जिसमें मार्क लगा है वो ओरिजिनल है और जिसमें मार्क नहीं लगा वो उसका डुप्लीकेट है। तो इसका फायदा भी मिलता है वेरिफिकेशन बैच से। एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है कि आप बॉलीवुड सॉन्ग्स का प्रयोग करते हो फिर भी आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता। भैया देखो, बॉलीवुड सॉन्ग्स को प्रयोग करने से कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता, मतलब नहीं आता इन द सेंस कि आपके चैनल की स्टैंडिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ेगा कि आप जिस भी वीडियो में उस गाने को प्रयोग कर रहे हो उस वीडियो से कमाई गई सारी इनकम, जो भी आपने उससे पैसे कमाए वो उसी को जाएंगे जिसका भी आपने बॉलीवुड सॉन्ग यूज किया है। और एक और बात, अब तो आप बोलोगे कि तो मैं हर वीडियो में बॉलीवुड सॉन्ग यूज करता हूं तो मैं पैसे कैसे कमाता हूं? भैया यदि आप 30 सेकंड से कम गाने को यूज करते हो, यानी और मेरी सलाह तो ये कि आप पार्ट में यूज करो, थोड़ा पहला हिस्सा ले लिया, थोड़ा बाद का हिस्सा ले लिया, तो यदि आप 30 सेकंड से कम किसी बॉलीवुड सॉन्ग को प्रयोग करते हो तो ऐसे में कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है। और उससे ज्यादा अगर यूज करते हो तो कॉपीराइट क्लेम आता तो है पर चैनल की स्टैंडिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देख ही लिया कि बॉलीवुड सॉन्ग के प्रयोग करने के बाद भी आपके चैनल को वेरिफिकेशन बैच मिल गया है। दोस्तों जब हमारी टेक्निकल दोस्त फैमिली के 99,000 सदस्य थे तब मैंने वादा किया था कि हमारी टेक्निकल दोस्त फैमिली में जितने भी यूट्यूबर डिफरेंटली एबल्ड हैं, हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उनके साथ मैं कोलैबोरेट करूंगा। तो मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं। मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी के चैनल का लिंक दिया है और जिन्होंने मुझे फेस कैम की वीडियो भेजी है उनकी वीडियो मैं आपको दिखा भी रहा हूं। तो मैं आपसे निवेदन, गुजारिश, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, उनके चैनल पर भी जाएं और इनका हौसला अफजाई करें, हमें इनका पूरा साथ देना है। हेलो हितेश सर एंड हेलो टू ऑल टेक्निकल दोस्त फैमिली, मेरा नाम है सचिन एंड सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत टेक्निकल दोस्त सर को और पूरी फैमिली को कि उन्होंने 1 लाख सब्सक्राइबर्स अभी बस पार करने वाले ही हैं, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और मेरा नाम है सचिन, मैं रहता हूँ उदयपुर राजस्थान में। पिछले 2 सालों से मैं देख नहीं सकता लेकिन फिर भी मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है प्ले विद टेक। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया टेक्निकल दोस्त यूट्यूब चैनल को और सर को जिन्होंने मुझे ये चांस दिया और उनको बहुत बहुत बधाइयाँ कि उनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और आशा करता हूँ वो इन फ्यूचर भी ऐसे ही ग्रो करते रहें, हमें बहुत अच्छे वीडियोस जो है गिफ्ट करते रहें और उनको ऐसे देख के इंस्पिरेशन हम लोगों को मिलता रहे।
और अगर आप लोगों को मेरा चैनल भी पसंद आता है तो प्लीज जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके विजिट कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुज, मैं गिजबोगन चैनल से, और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। हितेश सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो 1 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए। देखा आपने इनमें कितनी हिम्मत है, जज्बा है, कैपेबिलिटी है। प्लीज 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 इनके चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें। इनकी हिम्मत को, इनके जज्बे को हमारे साथ की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इतने मैं जिंदा रहूंगा, मैं आपके लिए डेली वीडियोस लाऊंगा बिना किसी गैप के। मर मरा गया तो अलग बात है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो सब्सक्राइब करके जाना। भाई ताऊ भीम सिंह के घर का गेट बजा, बाहर से आवाज आई कि हम पुलिस वाले हैं, हमें तुमसे बात करनी है, गेट खोलो। ताऊ भीम सिंह ने कहा तुम कितने लोग हो? उधर से आवाज आई कि हम 4 हैं। ताऊ भीम सिंह ने कहा तो भैया तुम आपस में ही बात कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है।